और इन्होंने अपना बड़ी ही मसरूफ़ टाइमिंग से, क्योंकि इनका एक एक तो ये माशाल्लाह यूट्यूब स्टार हैं इस टाइम पूरे जंग में, बल्कि पूरे इस रीजन में कह लें तो वो कल में ठीक होगा। तो इन्होंने बहुत सी एफर्ट की है और ये यूट्यूब स्टार है और ये अल्हम्दुलिल्लाह मंथली हज़ारों में, बल्कि बाज़ू का तो लाखों में भी इनकी इनकम यूट्यूब से है। ठीक है, तो एक तो इनके लिए इसलिए अप्रिसिएशन इनकी कर दें। दूसरे नंबर पर इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे स्टूडेंट्स को आकर कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, तो इन्होंने अपनी बड़ी मसरूफियत से टाइम निकाला, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की नहीं सर आपने लाजमी आना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी मैं लाजमी आऊँगा। तो एक तो इसलिए भी इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और आज भी इनका आने का मकसद और हमें इनको बुलाने का मकसद बेटा ये है कि ये कोई टाइम जस्ट टाइम पास नहीं है कि वीडियोस बन गई पिक्चर बन गई उनका यहाँ पर आया चाय बोतल पी खाना पीना, ये कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन पर आके इनका आने का मकसद है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इल्म हासिल करो खातों में चीन तक जाना पड़े। इल्म किसी की बेटा मेरास नहीं है, इल्म इज़ किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं कहूँ कि इल्म मेरा है ठीक है और आगे मेरे बच्चों तक ट्रांसफ़र होगा, नहीं, इल्म उसके लिए जिसने इसको हासिल करने की कोशिश की। लैसल इंसान इल्ला मासा, कि इंसान के लिए वही जिसके लिए उसने कोशिश की। तो जो लोग कोशिश करते हैं बेटा वो लोग अचीव कर लेते हैं, जो लोग कोशिश नहीं करते तो फिर इल्म किसी की मिरास नहीं है। ठीक है, तो फिर जो है ना देखो जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद काफिर थे, मेरी बात समझ आ गई है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद काफिर थे। ठीक है, तो इल्म किसी की बेटा मिरास नहीं है, ये किसी की जिद्दोजहद से किसी की तड़प से किसी की जस्तजू से आती है। ठीक है, तो एक बार फिर मैं दावत ख़ताब दूंगा जनाब वक़ार साहब को, जो कि ओनर हैं अलबासित आटोज़ गोजर रोड जंग के, प्रैक्टिकली भी माशाल्लाह बहुत ये कॉन्फिडेंट हैं और यूट्यूब स्टार भी हैं माशाल्लाह इस रीजन में, पूरे रीजन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इनकम ये वसूल कर रहे हैं यूट्यूब से, और हमें भी इनसे सीखने का मौका इंस्पायरेशन इनसे हमें लेनी चाहिए। तो वेलकम करते हैं हम वक़ार साहब को, प्लीज़ गिव बिग हैंड टू देम। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा अल्लाह ताला का जिन्होंने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया और आप दोस्तों के सामने ला के खड़ा कर दिया। उसके बाद मैं उस्ताज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। तो सबसे पहले एक शेर से शुरू करते हैं। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी एक बार मिलती है वक्त बदलने के लिए। बहुत सारे दोस्त आपने देखे होंगे अपने वक्त को ज़ाया करते हैं। आप अपने वक्त को कीमती बना के अपने स्किल को इनक्रीज़ कर सकते हैं, अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने इनकम को इनक्रीज़ किए कर सकते हैं। इसी तरह हमने अपना एक यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया वक्त को, अपने वक्त को कीमती बनाते हुए अपने स्किल्स को सीखा, वक्त को कीमती बनाया, और जो हम वक्त पहले ज़ाया करते थे उसमें हमने यूट्यूब पे काम करना शुरू कर दिया, अपने वीडियोस को बनाना, एडिटिंग करना और लोगों तक शेयर करना, जो जितना हमें आता था हम वो कोशिश करते थे कि लोगों को सिखाएँ। तो यही वजह अल्लाह ताला को पसंद आ गई है, आज अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर हमारे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आप भी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपने अपने वक्त को कीमती बनाना है ना, जो कुछ आप सीख रहे हैं उसको आपने सीखने को बंद नहीं करना। आप एक मकाम पे पहुंच भी जाएं फिर भी आपने सीखना बंद नहीं करना, आपने सीखते चले जाना है। अगर जब आपने सीखना बंद कर दिया तो समझें जो आपकी इनकम है वो एक लिमिटेड हो जाएगी, वो एक ही जगह रुक जाएगी। अगर आप चाहते हैं जो आपकी इनकम है वो कभी भी रुके ना, बढ़ती चले जाए, तो आपने उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ सीखना है, और जो कुछ आपको आता है वो दूसरों को सिखाना है। तो ज़िंदगी में दो चीज़ों की वजह से इंसान कामयाब होता है, एक सीखने की वजह से और दूसरा बांटने की वजह से। सीखने से मुराद यही है जो मैंने आपको बताया, और बांटना यह है कि जो कुछ आपके पास इल्म है, आपके पास हुनर है, आपके पास पैसा है, आपने अपना इल्म दूसरों के साथ शेयर करना है, आपके पास हुनर है तो आपने दूसरों को भी हुनरमंद बनाना है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको बहुत सारे ऐसे मुस्तक लोग मिल जाएंगे जिनकी आप मदद करके अल्लाह ताला से सवाब हासिल कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं उनमें ये दो तीन चीज़ें ज़रूर पाई जाती होंगी, आप कभी भी रिसर्च कर लीजिएगा। उसके अलावा यूट्यूब, मैं सब लोगों को यही मशवरा दूंगा कि अभी माशाल्लाह हमने बहुत सारे लोगों को काम सिखाया यूट्यूब का, आपको जितना कुछ भी आता है वो आप वीडियोज़ बनाएँ,
वीडियोस बनाने के लिए लोगों के ध्यान में यही सवाल आएगा बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए, माइक होना चाहिए, इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी भी कामयाबी हासिल की है, हमारे पास कोई कैमरा वगैरह नहीं है बहुत हाई क्लास का, हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल से ही हमने एडिटिंग शुरू की, वीडियोज़ बनानी, एडिटिंग करनी और मोबाइल से ही अपलोडिंग करनी होती है। तो ऐसा ऐसा अल्लाह ताला इज़्ज़त दे देता है जिसको, तो अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है आज अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो यूट्यूब से हमारी वीडियोस देख के लोग बहुत दूर दूर से हमारे पास काम करवाने के लिए भी आते हैं, उनकी मैं वीडियोस बना के यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ, और दूसरे नंबर पे आपको बिज़नेस मिल जाता है यूट्यूब से भी, और आपकी जो शॉप है आप उसको भी बहुत ज़्यादा अप लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो जो आपके पास है, जितना कुछ आपको आता है, एक तो आपने सीखना है, लोगों को सिखाना है, और उसी काम की वीडियोस बना बना के आपने अपलोड करनी है YouTube, Facebook, TikTok, स्नैक वीडियो, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सोशल मीडिया की, तो आपने वहाँ पे अपना कंटेंट अपलोड करना है। तो शुरू में हो सकता है आपको रिस्पांस ना मिले, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से ऐसा ऐसा रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा, और एक ना एक दिन आप लोग भी ज़रूर कामयाब होंगे। तो आप इस छोटी सी एक्टिविटी से आप अपने वक्त को कीमती बनाकर अपनी और अपने साथ जुड़े लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को भी तब्दील कर सकते हैं, अपनी गुरबत को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube के रिलेटेड या किसी किस्म का कोई भी सवाल पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकते हैं। पेंट के हवाले से भाई ने सवाल किया, दोस्त ने, तो पेंट के हवाले से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से भी कोई पेंट डैमेज हो जाए, नई बाइक है, कोई चीज़ लग के पेंट डैमेज हो जाए, तो उसका बहुत आसान और सिंपल सोल्यूशन है। मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं यूट्यूब पर भी उस चीज़ के रिलेटेड। तो 320 नंबर का एमरी पेपर आपको मार्केट से मिल जाएगा रेगमार, वहाँ पर जहाँ से पेंट डैमेज हुआ है वहाँ पर आपने लगाना है। उसके बाद पेंट आपको मिल जाते हैं डीको में, अगर आप उस पार्ट्स को नहीं खोलना चाहते। पेंट दो किस्म के होते हैं, डीको में होता है, एक भट्टी वाला होता है चैम्पियन कंपनी का, और भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के भी होते हैं। अगर आप उस पार्ट्स को नहीं खोलना चाहते तो आपने उसको डीको पेंट में करना है, अगर आप उस पार्ट्स को खोल सकते हैं तो आपने भट्टी पेंट करना है, भट्टी पेंट की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है। 320 नंबर के एमरी पेपर से आपने उस जगह को बिल्कुल साफ़ करना है, जगह को बिल्कुल मुलायम करना है। उसके बाद आपके पास टूल्स होने चाहिए पेंट के रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए अगर जो आप इस फील्ड से थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं कि पेंट के रिलेटेड हमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत है, तो आपके पास गन होनी चाहिए, तो आपने उसको वहाँ पे पेंट करना है, उसको खुश कर लेना है। उसके बाद उसकी शाइनिंग के लिए अगर आप चाहते हैं कि उसकी शाइनिंग बिल्कुल ओरिजिनल की तरह है, तो हार्नर और लैकर की ज़रूरत पेश आती है। अगर पेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो फिर उसकी भी ज़रूरत पेश नहीं आती। पेंट बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का पेंट यूज़ करना चाहते हैं। उसके अलावा कोई और किसी किस्म का सवाल है वो पूछ सकते हैं। आप पेंट वगैरह बिल्कुल ऐसे ही है, बाहर पेंट नहीं करना चाहिए, इससे एक तो दूसरों को भी नुकसान होता है, और वैसे खुली जगह पे करना अपने लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं हैं। एक टोटली जो लिबास होता है, हेलमेट वगैरह, वो सब कुछ हम यूज़ ही नहीं करते, बस एक जस्ट मास्क लगाया और पेंट कर दिया, ये तरीका गलत है। आप अगर जो पेंट करें तो आपके पास मुकम्मल चीज़ें होनी चाहिए, इससे अपनी सेहत भी ख़राब होती है। अगर जो आपके पास मुकम्मल टूल्स वगैरह नहीं है, सेफ्टी के रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, तो दूसरों की भी सेहत ख़राब होती है। तो आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अपना एक प्रॉपर सेटअप बना रहे हैं। लाहौर से एक बंदे के साथ रابطہ हुआ है जो हमें स्पेशल यहाँ पर आके पेंट के रिलेटेड एक सेटअप तैयार करके देगा, तो इस रिलेटेड इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक सेटअप तैयार कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। सिलेंसर की आवाज़ कम से कम की जाए, मतलब पहले असल में आपको एक छोटी सी बात बताऊं, होंडा CG 125 सिर्फ बिकता ही सिलेंसर के साउंड की बेस पे है। अगर जो उसका साउंड थोड़ा चेंज कर दिया जाए ना, वो बिकना ही बंद हो जाएगा। कंपनी ने ये एक्सपेरिमेंट किया है ऑलरेडी 2-3 बाइक्स पे, होंडा CB 125F पे, डिलैक्स का भी साउंड थोड़ा सा चेंज था जिसकी वजह से वो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा अपनी जगह नहीं बना सका। तो होंडा CG 125 सबसे ज़्यादा बिकता ही उसके साउंड की वजह से है, और हमारी वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारी व्हाट्सएप पे के होंडा CG 125 का साउंड और इंक्रीज़ करना है। तो उसके रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं कि साउंड को और कैसे फ्रेश किया जा सकता है और कैसे बेहतर किया जा सकता है। अगर उसके साउंड को चेंज कर दिया जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। उसके रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यामाहा YBR उसका साउंड 125 से कम है। अगर जो उसका साउंड आप कम करना चाहते हैं तो उसके सिलेंसर एग्जॉस्ट के अंदर और एक्स्ट्रा प्लेट्स वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेंगी आपको।